हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 5 का टॉपिक नंबर 6। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 है बेटा फ्लोरोसेंट बल्ब। ठीक है, तो बेटा देखिए, फ्लोरोसेंट बल्ब में पारे का वाष्प में वैद्युत अल्ट्रा वायलेट लाइट प्राप्त होती है। ठीक है, यह अल्ट्रा वायलेट लाइट बल्ब के अंदर की फास्फोरस कोटिंग द्वारा शोषित कर ली जाती है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या फ्लोरोसेंट लाइट में बेटा, कि जो उसकी बाहरी अंदर की जो सरफेस होती है, बाहरी अंदर की बाहरी सरफेस, वहाँ क्या होता है कि फास्फोरस के लेयर होते हैं। जैसे देखिए, आप देखे होंगे टीवी, पहले जो पिक्चर ट्यूब वाली आती थी तो उसमें ब्लैक फास्फोरस की जो लेयर होती थी, सोडियम और ब्लैक फास्फोरस की, वो पर्दे का काम करती थी। ठीक है, जैसे ही पिक्चर लाइट से इमेज निकलती थी तो उस पर पड़ती थी, तो वो हमारा क्या होता था, फास्फोरस कोटिंग द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें होता है, जिससे बल्ब चमकने लगता है। फ्लोरोसेंट बल्बों में ताप दीप्त बल्बों की तुलना में कम ऊष्मा होती है। कहने का मतलब कि वो क्या होता है कि ताप जो बल्ब है, यानी आपका जो फिलामेंट वाला है, टंगस्टन वाला है, उसकी तुलना में यह कम ऊष्मा देती है। ठीक है, जिससे फ्लोरोसेंट बल्बों की दक्षता ताप दीप्त बल्बों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। देखिए बेटा, जितना ही आपका हीट प्रोड्यूस कम हो, उतना ही आपकी किसी भी लाइट या किसी भी बल्ब की जो आयु है वो इंक्रीज कर जाएगी। रीजन क्या है बेटा, देखिए हम जानते हैं कि कंटिन्यूसली आई का मान बढ़ने के साथ साथ, रेगुलर आई जैसे बढ़ता रहेगा टाइम के साथ, तो हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, आई और आर और टी के रिलेशन हीट से, तो क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। यानी कहने का मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो आई स्क्वायर आर टी होता है। यानी कि अगर टाइम बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी तब भी हीट बढ़ेगा, और कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, तब भी हीट बढ़ेगी। तो यानी इस तीनों कंडीशन में क्या होगा बेटा, कि आपका जो फिलामेंट लगा होगा, जैसे ताप दीप्त में देखिए टंगस्टन वाले रेड वाले बल्ब में क्या होता है कि अगर ज़्यादा देर उसको लगातार जलाइए, 24 घंटा लगातार जलाइए, वो क्या होगा, टंगस्टन हीट होके पिघल जाएगा, क्योंकि टी बहुत अधिक हो गया। कितना हो गया, 24 घंटे हो गए टी। ठीक है, और रेजिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट रहता है, आई भी कॉन्स्टेंट रहती है। तो यानी कहने का मतलब बढ़ा क्या टाइम, तो टाइम जैसे ही बढ़ा वैसे ही आपकी एज क्या हो गई, बढ़ गई। समझ गए ना बेटा, ये चीज़ होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब बेटा देखते हैं एलईडी। ठीक है, एलईडी, ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या होता है, फुल फॉर्म ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड की हिंदी बेटा हमें नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, डायोड इंग्लिश में हम लोग जानते हैं। ठीक, चलिए इसका फुल फॉर्म समझ गए, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, प्रकाशीय व्यवस्था में एलईडी एक प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूँकि एक एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, ठीक है, ताप दीप्त बल्ब तथा सीएफएल बल्ब से काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब देखिए आप सीएफएल बल्ब जो आते थे पहले, या टंगस्टन वाले ताप दीप्त बल्ब आते थे, उसके तुलना में आपका एलईडी बल्ब है वो कम बैटरी खाता है, और वोल्टेज भी कम पे वो वर्क करता है, और प्रकाश ज़्यादा देता है, और लंबे समय तक चार्ज, मतलब थोड़ा सा भी चार्ज हो जाने पर लंबे समय तक वो प्रकाश को फैलाता रहता है। ठीक है, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड का फायदा है। क्लियर है, अब देखिए, इसीलिए प्रकाशीय व्यवस्था में बहुत सारे एलईडीज को एक इकाई के रूप में इकट्ठा करके उन्हें एक साथ प्रयोग किया जाता है।
जैसे देखिए बेटा बेटा एक एलईडी क्या होती है, एक एलईडी जो होती है यूनिट होती है। अब उसी का हम लोग क्या करें, एक एलईडी मतलब जैसे देखिएगा शादी ब्याह में जो गेट पे लगा रहता है, तो जैसे लिखा रहता है शुभ विवाह लिख लिख कर आता रहता है, या बड़े रेलवे स्टेशन पे जाइए आपको देखने को मिलेगा कि ये गाड़ी नंबर इस पे आ रही, तो प्रसारण होता है या शादी में भी प्रसारण होता है, चलते रहता है। तो बेटा देखिएगा उसमें छोटे 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 बल्ब लगे होते हैं, वो बल्ब कुछ नहीं होता है बेटा, वो एलईडी बल्ब होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। अब पहले जो मॉनिटरिंग होती थी, टीवी भी पहले आती थी, जैसे अब भी क्या है कि बहुत लोग क्या है एलईडी सुनते होंगे कि एलईडी आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यानी कहने का मतलब ठीक है, एलईडी जो है एक यूनिट है। जैसे देखिए बहुत लोग कहते हैं हमारे घर एलईडी आई है, टीवी को एलईडी कहते हैं, तो जनरली कहते किस लिए हैं एलईडी, क्योंकि जो उसमें उसके जो एक एक पिक्सल लगे हैं वो एलईडी के थ्रू बने होते हैं, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड को एकत्रित करके समाहित करके एक पैनल बना होता है, ठीक है। आप शादी ब्याह में देखिएगा जैसे कुछ लिखा रहता है शुभ विवाह, तो आपको लगेगा कि वो मतलब रेगुलर लिखा हुआ, लेकिन नहीं, वो एक एक उसमें बल्ब जलता है, एक एक एलईडी जलती है, तब आपको पूरा एक पिक्चर रूपित होता है। या रेलवे स्टेशन पे भी, वहाँ जैसे कि अभी हमने बताया कि रेलवे स्टेशन पे भी जाइए, जो प्रसारण का जो सूचना पट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट, उस पे क्या होती हैं छोटी छोटी एलईडी बल्ब होते हैं, जो कि हमें वो ग्रुप में होने के कारण हमें पता चलता है कि एक प्लेन लेंस है या एक प्लेन मतलब कोई टीवी की तरह है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एलईडी ही होता है, ठीक है। अब देखिए एलईडी का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है, एलईडी काम कैसे करता है, यानी कहने का मतलब कि लाइट इमिटिंग डायोड काम कैसे। देखिए बेटा अब क्या है कि इससे भी बढ़िया एक आई है TFT, ठीक है, TFT डिस्प्ले। ये एलईडी तो चलिए आँखों को थोड़ा सा देखिएगा, एलईडी जो होती है बहुत तेज रोशनी के साथ रहती है, इसलिए हमारे आँखों को क्या करती है, चकमका देती है, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ठीक है, इसलिए हमारे आँखों को क्या करती है, चकमका देती है। इसके जगह पर आया है क्या TFT, ठीक है, जैसे जो बहुत महंगे मोबाइल होते हैं या बहुत महंगे LCD होते हैं, सॉरी आपके जो टीवी, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा टीवी हो गया जो घर में लोग यूज करते हैं, दो दो लाख का, ढाई ढाई लाख का आता है, तो वो बेटा एक्चुअली LED नहीं होता है, वो होता है TFT, ठीक है। TFT में क्या है कि रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, जितना आपको मतलब एक्चुअल लाइट चाहिए उतने ही पे सारे, जैसे डे का है तो डे पे एडजस्ट हो जाएगा नाइट, और जबकि LED में क्या है कि लाइट का एडजस्टमेंट नहीं होता है, कहने का मतलब समझ गए ना। तो अब देखा जाए LED का कार्यकारी सिद्धांत कैसे कार्य करता है, ठीक है। देखिए LED मुख्यतः सेमी कंडक्टर पीएन जंक्शन से बना होता है। देखिए बेटा आप लोग अगर इंटर की क्लास में पढ़े होंगे तो पीएन जंक्शन से थोड़ा सा हमें रूबरू होना पड़ता है, ठीक है, जो फॉरवर्ड बेस्ड मोड में दी गई विद्युत ऊर्जा को ग्रहण कर प्रकाश उत्पन्न करता है। जब होल्स तथा इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन होता है, यानी दोनों का जब होल और इलेक्ट्रॉन का मिलाप होता है, ठीक है, तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यदि इस ऊर्जा को किसी भी प्रकार से विजिबल रीजन में लाया जाए तो उसे प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, क्लियर है। LED इस कार्यकारी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जैसे देखिए बेटा आप लोग देख रहे होंगे कि ये लेफ्ट साइड में एनोड और कैथोड और ये डायोड का सिंबल होता है, त्रिभुज दे करके और उसे एक पाई से कट कर देना, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए ये लाइट रेज है जिससे निकल रही हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन समझना चाहेंगे तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है कि ये जो नीचे वाली बेटा आप देख रहे हैं, नीचे वाली जो लेयर है वो गोल्ड फिल्म कैथोड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये जो सिरा है नीचे वाले, जो आपको डार्क लाइन में दिखाया गया है गोल्ड फिल्म वाले, ये किससे है, निगेटिव से अटैच है, ठीक है।
अब देखिए, और ऊपर वाला जो हिस्सा है पॉजिटिव से कंटेक्ट है। अब देखिए जो ऊपर वाला राइट साइड का है मेटल फिल्म कंटेक्ट है, यह भी मेटल फिल्म कंटेक्ट है। अब बीच से क्या हो रहा है, आपका लाइट रेज निकल रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो तीर की तरह बन के प्लस माइनस प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो ये रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स और आयन है, यानी माइनस और प्लस का, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से क्या हो रहा है, पी टाइप का डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सपिटैक्सियल एन टाइप से हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये एनपीएन का जो इलेक्ट्रॉन, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा क्या है कि रिकम्बिनेशन से उत्पन्न हुई ऊर्जा को, ठीक है, हल्की किरणों में परिवर्तन करने के लिए एलईडी एक विशेष प्रकार के पदार्थ से बनी होती है, जिनमें गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, यानी इसको शॉर्ट में हम बोला चाहें तो GaAsP, यानी देखिए गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, और फास्फाइड तथा गैलियम फास्फाइड प्रमुख है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाए गए एलईडी से संबंधित कुछ प्रमुख हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक है। दो टाइप का होता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एन टाइप एन रीजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को क्रॉस करके जब पी रीजन में प्रवेश करता है तो वह पी रीजन के होल के साथ रिकम्बाइंड कर जाते हैं। रिकम्बाइंड मीन्स बेटा क्या हो जाता है, पुनः एक ही में मिल जाना, ठीक है। इसी प्रकार पी रीजन से होल एन रीजन में प्रवेश कर इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए साधारण डायोड में रिकम्बिनेशन से उत्पन्न हुई यह ऊर्जा हीट रेडिएशन के रूप में होती है, जबकि एलईडी विशेष प्रकार के पदार्थ से बने होने के कारण इसे विजिबल रेडिएशन में परिवर्तित किया जाए, ठीक है। यानी देखिए कहने का क्या, जैसे साधारण डायोड जो है बेटा क्या है कि वो आपका हीट जनरेशन भी, हीट रेडिएशन उत्पन्न करती है, जबकि एलईडी में एक विशेष प्रकार के पदार्थ के बने होने के कारण वो क्या करता है, केवल विजिबल यानी देख दृश्य रेडिएशन, दिखाई देने वाला रेडिएशन को में परिवर्तित में देखने में परिवर्तित कर देता है। जैसे देखिए फॉरवर्ड बेस्ड कंडीशन, ठीक है, इसे फॉरवर्ड बेस्ड कंडीशन क्या है, बायस्ड, ये क्या है, वोल्टेज इनपुट है, आईबी आरए है, और ये डायोड है एनपीएन डायोड, फिर ये आपका आरसी हो गया, फिर ये डायोड हो गया, फिर यहाँ से वोल्टेज हो गया, ठीक है, वोल्टेज सीसी, फिर ये जो नीचे है अंडरग्राउंड, जैसे ये डॉट डॉट किया गया है, ठीक है बेटा। अब चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं बेटा एलईडी प्रकाशीय व्यवस्था के लाभ, ठीक है। अब देखिए इसके लाभ क्या क्या हैं, क्लियर। एलईडी को कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है, जिसके कारण इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है। एलईडी की बनावट तथा आकार का इनकी दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है। आप चाहे जितना छोटा बना लीजिए या चाहे जितना बड़ा एलईडी बना लीजिए, इनके एफिशिएंसी पे कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है, अंतर नहीं आएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है बेटा जी, एलईडी एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, बिल्कुल सही है, इसके कारण इसका स्विचिंग टाइम बहुत कम होता है, यानी कहने का मतलब जैसे ही आप ऑफ करेंगे तुरंत ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तुरंत ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलईडी विभिन्न रंगों जैसे लाल हरा पीला इत्यादि में उपलब्ध होती है। आपने देखा होगा कि जब आप लोग बचपन में खेलते होंगे छोटे छोटे बल्ब होते हैं तो वो क्या होते हैं, एलईडी होते हैं, तो हम लोग क्या करते थे उसको बैटरी से कनेक्ट करके जलाते थे, ठीक है, वो कभी रेड कभी ब्लू कभी येलो कभी रेड कभी ब्लू कभी नीला ऐसे जलता था, ठीक है, आप देखे होंगे, ठीक है।
चलिए अब फोर्थ नंबर है, इसके कार्यकारी तापमान का प्रास अधिक होता है, ठीक है। एलईडी आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये पीसीएस डीसीएस पर आसानी से लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ये डीसीएस बेटा कुछ नहीं होता है, आप देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती है, जैसे टीवी ओवी पे देखिएगा, मोबाइल के जो वो होती है, उसी को हम लोग डीसीएस बोलते हैं, ठीक है। कुछ सर्किट होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा नेट से, डीसीएस, ठीक है। पर आसानी से इसको लगाया जा सकता है। अब देखिए बेटा, एलईडी बल्ब को आसानी से फॉरवर्ड धारा कम करके या पल्स विथ मॉड्यूलेशन द्वारा धीमा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि आप देखे होंगे कि जो लाइटें या कभी आप स्पीकर में या कहीं कोई बल्ब लाते हैं या मूर्ति होती है, तो उसमें क्या होता है कि अल्टरनेट कभी ब्लू कभी वाइट, कभी ब्लू कभी रेड कभी ग्रीन। तो कहने का मतलब कि इसको आप मॉड्यूलेशन के थ्रू, पल्स विथ मॉड्यूलेशन के थ्रू आप इसको फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जैसे जल्दी जल्दी आपको जलाना है तो उसको फ्रीक्वेंसी हाई कर दीजिए, उसको धीमे धीमे जलना है तो क्या करिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसका हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जो अगला पॉइंट है, इसकी आयु काफ़ी अधिक होती है। एलईडी बल्बों की औसतन आयु 35,000 से 50,000 घंटों के बीच होती है, जो ताप दीप्त व सीएफएल के औसत आयु से बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, एक एलईडी टॉर्च लाते हैं आप, साल भर चला देते हैं, 2 साल चला देते हैं। अगर वहीं आप टॉर्च पहले वाली ले लीजिए, क्या बोलते हैं जो आती थी लंबी निप्पो सेल वाले इवरेडी की, तो उसमें जो रेड बल्ब लगा होता है वो देखिए क्या होता था, कभी कभी फ्यूज हो जाता था। तो हम लोगों के पिताजी क्या करते थे, उस बल्ब को फिर परचेज करते थे। यानी उसका वो उसका जो बल्ब होता था, थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट भी लाइट टार्च को जला दिया जाए तो वो रेड फिलामेंट होता था, ठीक है। तो वो फिलामेंट क्या हो जाता था, करेंट फ्लो करने से और टाइम बढ़ जाने से क्या हो जाता था, वो हीट करके पिघल जाता था। सीधी सी बात है, एच बराबर I²RT, यानी कहने का मतलब अगर टाइम बढ़ा तब भी हीट बढ़ी, करंट बढ़ा तब भी हीट बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा। खैर, तो रेजिस्टेंस तो क्या होती है, बल्ब के अंदर कांस्टेंट होती है, उस रेजिस्टेंस को हम बढ़ा नहीं सकते। यानी कहने का मतलब कि धारा का मान बढ़ सकता है और आपका टाइम बढ़ सकता है। तो दोनों के बढ़ने के कारण क्या होगा, आपका हीट बढ़ जाएगा और टंगस्टन फिलामेंट पिघल जाएगा या मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सॉलिड स्टेट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जैसे एलईडी होती है तो कोई लिक्विड नहीं होती है। एलईडी मतलब क्या होता है कि मतलब वो एक छोटी सी बल्ब होती है, ठीक है। तो वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस। होने के कारण झटके आदि लगने से कोई क्षति नहीं है, चाहे आंधी बहे चाहे तूफान बहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ग्रत नहीं होता है। एलईडी बल्बों की लाइट को आसानी से उपयुक्त डिजाइन द्वारा फोकस किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, एलईडी प्रकाशीय व्यवस्था की हानियाँ, भाई देखिए एलईडी बल्ब से क्या क्या हानियाँ हैं प्रकाश व्यवस्था से, ठीक है, तो इसको देखा जाए। फर्स्ट पॉइंट है, कुछ फ्लोरोसेंट लाइटें एलईडी की तुलना में अधिक दक्ष होती हैं, ठीक है, कुछ फ्लोरोसेंट। दूसरा क्या है, एलईडी लाइट की प्रारंभिक लागत काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत लोग क्या करते हैं, सऊदी अरब से चाइना से टॉर्च मंगाते हैं, जो ब्लैक कलर की काली काली होती है, 1 फुट की होती है, वो टॉर्च बहुत महंगी ही मिलती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, एलईडी लाइटों का प्रदर्शन काफ़ी हद तक परिवेश के तापमान पर निर्भर करता है, अधिक तापमान पर प्रयोग करने पर एलईडी लाइटें खराब हो सकती हैं। यानी ये कहने का मतलब जो ये लाइटें होती है ज़्यादा प्रकाश सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए फोर्थ है हानिया, इसमें एक निश्चित वोल्टेज तथा करंट के स्तर को बनाए रखने के लिए रेगुलेटेड पावर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको कांस्टेंट पर नहीं छोड़ सकते हैं। फाइव देखिए, एलईडी लाइटें द्वारा कुछ डिग्री से कम डाइवर्जेंट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कूल व्हाइट एलईडी अन्य प्रकाशीय स्रोतों के अपेक्षा अधिक प्रकाश प्रदूषण उत्पन्न करती है। ठीक है, वैद्युत धारा का मान बढ़ने से एलईडी लाइटों की दक्षता प्रभावित होती है। अब देखिए बेटा, हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक नंबर 8, फिलामेंट लैंप। ठीक है, तो फिलामेंट लैंप क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे कि हमने आपसे बताते चले आ रहे हैं प्रादीप्त। ठीक है, तो टंगस्टन तंतु दीप अर्थात लैंप, ये दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट है निर्वात दीप, ये क्या होता है? कार्बन तंतु लैंप के पश्चात टंगस्टन तंतु लैंप की रचना की गई है। इसमें कांच का बना हुआ एक लट्टू होता है, ठीक है, जिसमें से वायु को पूर्ण रूप से निकालकर निर्वात उत्पन्न किया जाता है ताकि तंतु का ऑक्सीकरण ना हो। यानी कहने का मतलब कि ऑक्सीकरण क्या होता है कि जैसे ही एलिमेंट आपका आयन है, तो आयन ऐसा ना हो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से आयनित होकर के उसको क्या कर दे, वीक कर दे या किसी तरफ खिंचाव पैदा हो। ठीक है, तो भी लैंप के भीतर टंगस्टन का बारीकी तार का एक तंतु होता है। टंगस्टन का गलनांक तापमान 3400 या 3500 डिग्री सेल्सियस होता है तथा कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि तंतु में धारा बहती है तो यह श्वेत तप्त होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है। इस बल्ब में यह दोष है कि 2100 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर टंगस्टन धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर दीवार पर जम जाती है और लैंपों के भीतरी सतह पर काली सी होकर बाहर आने वाले प्रकाश से धुंधला कर देती है। ठीक है, अर्थात प्रकाश कम कर देती है। आजकल केवल कम वोल्टेज के लैंप ही निर्वात हैं, प्ररूपी टंगस्टन फिलामेंट लैंप बनाए जाते हैं। ये देख लीजिए, आपका जो पहले रेड वाले बल्ब यूज होते थे, ये जो राउंड राउंड स्प्रिंग की तरह लगा होता था, यही हमारा क्या है, टंगस्टन फिलामेंट है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा है गैस दीप। ठीक है, लैंग मयूर ने सन 1913 में यह खोज की कि यदि टंगस्टन फिलामेंट लैंपों में निर्वात के बजाय कोई निष्क्रिय गैस आर्गन आदि अथवा नाइट्रोजन आदि भर दिए जाएं तो टंगस्टन तंतु का वाष्पीकरण कम हो जाता है और यह गैस तंतु का ऑक्सीकरण भी नहीं होने जाता है। बिल्कुल सही है, ये अक्रिय गैसें हैं। अगर नाइट्रोजन और आर्गन को हम भर देते हैं तो ये सब सारे क्या हैं, अक्रिय गैस को भर देते, तो ये क्रियाशील नहीं होने देती है किसी के साथ। इसके साथ साथ लैंप की दक्षता भी, आयु भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, इस प्रकार लैंप का कार्यकारी तापमान 2500 डिग्री से ऊंचे वोल्टेज लैंपों को 3000 तक पहुँच जाता है और लैंपों से कम वैद्युत खर्च पर अधिक तेज प्रकाश मिलता है। जिन लैंपों ने केवल आर्गन गैस भरी होती है उनका प्रकाश हल्का नीला होता है, अन्यथा अधिकतर लैंपों में नाइट्रोजन गैस अथवा दोनों आर्गन नाइट्रोजन मिलाकर भरी जाती है। ठीक है, जिन लैंपों के भीतरी सतह पर सिल्का पाउडर की परत चढ़ा दी जाती है उन्हें दुधिया लैंप यानी मिल्की लैंप कहते हैं। इनका प्रकाश कुछ अधिक सफ़ेद होता है। इन सभी लैंपों के तंतु तार को कुंडलाकार, ठीक है, क्वाइल के फॉर्म में, स्प्रिंग के फॉर्म में इसलिए रखा जाता है ताकि तंतु कम गैस के संपर्क में आकर कांच के लट्टू से दूर रहे तथा ताप हानि कम हो सके और लैंप की दक्षता बढ़ जाए। अब देखिए अनुप्रयोग, प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये देखा जाए टंगस्टन तंतु प्रारूपी प्रदीप्त लैंपों का उपयोग बंद व संकुचित स्थानों पर, अतः दरीय समिति प्रकाशन
के लिए होता है, जैसे आवास, दुकान, दफ्तर, गली, सड़क, बाजार, चौराहा, संस्थान, सिनेमाघर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ट्रेन, ट्रॉली, ट्रैक्टर, ट्रक, टैक्सी, बस, कार, लॉरी, जलयान, वायुवान, यान आदि। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।